शहर के पश्चिमी क्षेत्र राजेंद्र नगर से परशुराम भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। सुबह 7 बजे निकली यात्रा राजेंद्र नगर स्थित प्रगति नगर साईं मंदिर से होते हुए विभिन्न मार्गों से भ्रमण करते हुए परशुराम चौक पर संपन्न हुई। इस यात्रा का जगह जगह विभिन्न समाजों द्वारा स्वागत मंच लगाकर पुष्प वर्षा भी की गई। परशुराम शोभा यात्रा के संयोजक पंडित संजय मिश्रा ने बताया कि यात्रा में पश्चिमी क्षेत्र की विभिन्न कॉलोनियों के हजारों रहवासियों ने शिरकत की। मिश्रा ने बताया कि 2000 से अधिक महिलाएं यात्रा में शामिल हुई। पंडित संजय मिश्रा ने बताया कि नगर निगम के सहयोग और पूर्व विधायक अश्विन जोशी और पार्षद बलराम वर्मा के विशेष प्रयासों से राजेंद्र नगर मेन रोड स्थित खाली पड़े रोटरी पर वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त फरसा स्थापित कर इसे परशुराम चौक के रूप में स्थापित किया गया। शोभा यात्रा के दौरान सड़क पर किसी प्रकार की गंदगी न हो, इसका भी विशेष ध्यान आयोजकों द्वारा रखा गया। समिति द्वारा 21 कार्यकर्ताओं की टीम द्वारा यात्रा मार्ग पर विशेष निगरानी रख स्वच्छता का ख्याल रखा गया। पूरे मार्ग को भगवा पतकाओं से सजाया गया। पंडित संजय मिश्रा ने बताया कि यात्रा में बड़े रथ पर परशुराम की मूर्ति रही, वहीं शिव परिवार के झांकी भी आकर्षण का केंद्र रही। कई संत महात्मा भी यात्रा में शामिल हुए। परंतु जाना पाव का मंदिर जो है वो निर्मित अभी पूर्ण रूप से हो नहीं पाया था। उसके पश्चात फिर हमारे क्षेत्र के कुछ लोगों ने और पूर्व विधायक हमारे मार्गदर्शक हैं माननीय अश्विन जोशी जी, उन्होंने क्षेत्र के पार्षद बलराम वर्मा को बुलाए और अनुरोध करा कि यार पार्षद जी, इस फरसे को जो है राजेंद्र नगर में ये जो रोटरी, इसमें कहीं कोई निर्माण नहीं हो पाया था। तो पार्षद को बोला बलराम वर्मा जी को, और उन्होंने सहयोग करके इंदौर नगर पालिका निगम के सहयोग से और हमारे क्षेत्र के ब्राह्मण परिवारों के सहयोग से इस फरसे का यहाँ निर्माण हमने करवाया। ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये दर्ज हुआ था और पिछली बार अवार्ड मिला था। इसका 170 किलो वजन। ये इरफान करके एक हमारे यहाँ पे बिल्डर है, वेल्डिंग करता है, उसने बनाया था। इस रोटरी की देखरेख की व्यवस्था किस प्रकार रहेगी जी? इस रोटरी की देखरेख की व्यवस्था किस प्रकार रहेगी? ये परशुराम महासभा इसकी पूरी देखरेख करेगी और क्षेत्र के हमारे ब्राह्मण परिवार जो है वो इसकी देखरेख करेंगे। पिछले साल एक फरसे के सौ प्लानिंग रहेगी। अगली बार अगर परशुराम जी की इच्छा रही तो मंदिर निर्माण की सौगात देने की इच्छा है।